हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वन वॉट मीटर मेथड। तो वन वॉट मीटर मेथड होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ये पावर की मेज़रमेंट के लिए होता है। अगर हमारे पास एक थ्री फेस थ्री वायर सिस्टम है जो कि परफेक्टली बैलेंस्ड है, तो उसके लिए हम सिंगल वॉट मीटर भी यूज़ करके तीनों फेज का पावर का मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो इसमें थ्री फेस थ्री वायर बैलेंस सिस्टम के लिए होता है ये, और ये एक फेज की पावर को मेज़र करता है, और जो टोटल पावर आएगी तीनों फेजेस की, वो जो एक वाट मीटर का रीडिंग है उसको हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल पावर मिल जाएगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि अगर लोड बैलेंस नहीं है, तीनों फेजेस में लोड बैलेंस नहीं है, तो जो रीडिंग आएगा टोटल पावर का उसमें बहुत ज़्यादा एरर आ जाता है। तो इसका जो कनेक्शन रहेगा वो कुछ इस तरह रहेगा। आपको एक वाट मीटर लेना है और उसका करंट कॉइल को आर फेज जैसे यहाँ पे हमने लिया है उसके सीरीज में लगाना है, और उसका जो पोटेंशियल कॉइल है उसको आर फेज और न्यूट्रल के बीच में पैरेलल में लगा देना है। तो ऐसा सिस्टम रहेगा। इसमें जो आपको पावर मिलेगी उसको आपको थ्री से मल्टीप्लाई करने से टोटल पावर ऑफ द लोड मिल जाएगा। और डेल्टा के केस में आपको वाट मीटर इस तरह से कनेक्ट करना है, जो आपका करंट कॉइल है वो आर के फेज के सीरीज में ही रहेगा, और जो आपका पोटेंशियल कॉइल है वो आपको दोनों फेज से दो रजिस्टर लेके कनेक्ट करना है। तो ऐसे में भी जो रीडिंग आपको मिलेगा वो सिंगल फेज का रीडिंग मिलेगा, उसको थ्री से मल्टीप्लाई करने पे आपको पूरे सर्किट का टोटल जो पावर है वो मिल जाएगा। सो इस केस में भी जो टोटल पावर होगी दैट विल बी थ्री टाइम्स ऑफ द पावर ऑफ द वन वॉट मीटर। तो इस तरह से एक वॉट मीटर लगा के भी आप तीनों फेजेस का टोटल जो पावर कंजप्शन है उसको आप मेजर कर सकते हैं, और आपका जो कॉस्ट है वो बच जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि लोड चाहे जो भी हो लेकिन वो बैलेंस्ड होना चाहिए।